अपने देश में फांसी की सजा देने के बाद पेन की नींव क्यों तोड़ दी जाती है। अक्सर आपने फिल्मों और नाटकों में देखा होगा कि जब भी किसी संगीन अपराध के लिए अपराधी को मौत की सजा सुनाई जाती थी तो जज अपने पेन की नींव तोड़ दिया करते थे। पर ऐसा क्यों करते हैं और इसके पीछे क्या कारण और कानून है, आइए जानते हैं। भारतीय कानून में जब किसी मुजरिम को फांसी या मौत की सजा दी जाती है तो उसके तुरंत बाद ही जज द्वारा पेन की नींव तोड़ दी जाती है। इसके पीछे का कारण शायद ही आप जानते होंगे। भारतीय कानून में सबसे बड़ी सजा फांसी की सजा होती है। भारत में सिर्फ ऐसे व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई जाती है जिसने बहुत ही बड़ा या बुरा अपराध किया हो। जज इस सजा को सुनाने के बाद अपने पेन की नींव को तोड़ देता है इस आशा में कि दोबारा ऐसा अपराध ना हो। एक और कारण ये भी है कि इस सजा के बाद किसी व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाता है, इसलिए इस सजा को सुनाने के बाद पेन की नींव तोड़ दी जाती है ताकि पेन का जीवन भी समाप्त हो जाए और इसके बाद पेन द्वारा कुछ भी और लिखा ना जा सके। फांसी की सजा किसी भी बड़े अपराध के लिए अंतिम सजा होती है। अगर एक बार जज द्वारा फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है तो इसके बाद इसे किसी भी प्रक्रिया द्वारा बदला नहीं जा सकता है। इस वजह से जब पेन से मौत लिखा जाता है तब उसकी नींव तोड़ दी जाती है। यह भी माना जाता है कि अगर फैसले के बाद पेन की नींव तोड़ी जा चुकी है तो इसके बाद खुद उस जज को भी यह अधिकार नहीं होता है कि वो दोबारा उस फैसले को बदलने के बारे में सोच सके। पेन की नींव टूट जाने के बाद इस फैसले पर दोबारा विचार नहीं किया जा सकता है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।